आज मैं एक बहुत ही डिलीशियस मैंगलोरियन स्टाइल क्रैप सुक्का की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप एक सी फूड लवर हैं तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मैंगलोर अपने सी फूड रेसिपीज के लिए बहुत फेमस है और सुक्का मैंगलोर का सिग्नेचर डिश होता है, और ये क्रैप सुक्का की रेसिपी आपके मुँह में पानी ला देगा। इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे 1 किलो के जितना क्रैब लिया है, इसे अच्छे से धो के इसको क्लीन करके इसे कट करके रखेंगे। जनरली आपको शॉप में ही क्लीन करके कट करके मिल जाता है। अब हम क्रैप सुक्का के लिए एक मसाला पेस्ट बनाएंगे। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे और उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून के जितना मेथी दाने, 1 टीस्पून के जितना काली मिर्च, 20 से 25 कड़ी पत्ते, 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम अजवाइन, 6 टीस्पून के जितना धनिया, 1 टीस्पून के जितना जीरा, और इन सबको हम थोड़ा सा कलर चेंज होने तक रोस्ट करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 7 से 8 गार्लिक क्लव्स, और ये ठंडा होने के बाद इसे एक मिक्सर जार में ट्रांसफर करेंगे। मिक्सर जार में एक नींबू के जितना बड़ा इमली का टुकड़ा भी ऐड करेंगे। अब हम सेम पैन में लेंगे 15 से 18 बेडगी लाल मिर्च और 60 से 8 रामनाड मिर्च या गुंडू मिर्च। आप चाहो तो सिर्फ बेडगी मिर्च या सिर्फ कश्मीरी मिर्च यूज करके भी ये रेसिपी कर सकते हो। 20 से 25 बेडगी या कश्मीरी मिर्च लेकर भी ये रेसिपी बना सकते हो। उसमें थोड़ा सा तेल डाल के थोड़ा मिर्चों को फ्राई कर लेंगे जब तक ये थोड़ा सा फूल जाते हैं। फिर इन्हें भी मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम एक अनियन को थोड़ा सा तेल डालकर फ्राई करेंगे जब तक ये अनियन थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाता है। सारे इंग्रेडिएंट्स का डिटेल लिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगी। फिर इसे भी मिक्सर जार में ट्रांसफर करेंगे और ठंडा होने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पे 2.5 कप के जितना फ्रेश किसा हुआ कोकोनट लिया है, इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और इसे ठंडा करके मिक्सर जार में डालेंगे और इसे सिर्फ 10 सेकंड के लिए पल्स करेंगे। इसको फाइन नहीं करना है, एकदम दरदरा रखना है। एकदम कोर्स पाउडर बनाएंगे, ये लास्ट में हम ऐड करेंगे सुक्का के टेक्सचर के लिए। अब क्रैप सुक्का बनाने के लिए थोड़ा सा तेल लेंगे, अगर पॉसिबल हो तो नारियल का तेल यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तेल गर्म होते ही ऐड करेंगे एक प्याज, प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट होगा तो ऐड करेंगे एक टमाटर, टमाटर को भी थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। टमाटर सॉफ्ट होगा तब ऐड करेंगे 1 इंच के जितना अदरक क्रश किया हुआ। आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या फिर आप फाइनली चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। अदरक को फ्राई करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 किलो के जितना क्रैब्स, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, और एक प्याज ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगाकर पकाएंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हमारा बनाया हुआ मसाला पेस्ट इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके ढक्कन लगाकर और 10 मिनट तक पकने देंगे। 10 मिनट बाद दरदरा पीसा हुआ कोकोनट इसमें ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। आप नमक, खट्टापन सब यहाँ पे चेक कर सकते हैं। खट्टा कम लगे तो थोड़ा सा इमली का पानी भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट में 1 टीस्पून के जितना गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और ढक्कन लगाकर और 5 मिनट तक पकने देंगे। तब तक इसके लिए हम एक तड़का रेडी करते हैं। थोड़ा सा घी डालेंगे, आप तेल भी यूज कर सकते हैं। उसमें 1/4 टीस्पून के जितना मेथी दाने डालेंगे, मेथी फ्राई होगा तो डालेंगे बारीक कट किया हुआ प्याज, और प्याज के ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। प्याज हल्का सा ब्राउन होना स्टार्ट होगा तो गैस को बंद कर देंगे और उसे ये सुक्का के ऊपर डाल देंगे। ऊपर से थोड़ा धनिया पत्ता डाल के गार्निश करेंगे और ये बहुत ही डिलीशियस सा मैंगलोरियन स्टाइल क्रैप सुक्का बनकर रेडी है। मैंगलोरियन स्टाइल क्रैप करी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए। आपका कोई डाउट्स, ओपिनियंस या मेरे लिए कोई सजेशंस होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका कीमती टाइम निकालकर मेरा वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।